कैसे हैं आप लोग? What's up? बड़ी दरख्वास्तें आई थी कि भाई लाइव शाइव आ जाए, इतने दिन हो गए हैं, क्या मजाक बना रखा है आपने? मतलब क्या कर रहे हैं आप? आए लाइव बताएं जीवन में क्या चल रहा है, मतलब क्या इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया, फोटो वीडियो डालो, लाइव शेयर नहीं आना होता तो आ गए। हाय गाइस, क्या हाल चाल, आप सब कैसे हो? व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है लाइफ में? आ जाने तो, दो चार लोग और आ जाए, कर लेंगे बातें। बताओ मुझे क्या चल रहा है आप लोगों की जिंदगी में, घर परिवार कैसा है, काम कैसा है, मेरा काम कैसा लग रहा है, थानेदार कैसा लग रहा है आपको, क्या रिव्यू देना चाहते हो आप लोग बताएं, बात करते हैं। हेलो हेलो हाय, आपका एपिसोड देख रहे हैं जी, प्लीज देखें, फिर लाइव लाइव छोड़ें, पहले जाएं एपिसोड देखें, बाद में कोई बात। हेलो हाय, व्हाट्स अप, लविंग योर शो, थैंक यू सो मच। स्कूल से आए अभी, अच्छा, बियर्ड में ज्यादा अच्छे लगते हो, अच्छा। हेलो, पूछ लो यार, क्या कुछ पूछना पूछना चाहते हो, क्या कुछ देखा आप लोगों ने, काम क्या चल रहा है जीवन में? सिर्फ लाइव आ जाओ बोलते रहते, फिर तुम हाय हाय सर मेरा नाम ले लो टाइप ले लो, कुछ ढंग की बातें करें। चरण भाई, रियली मिस्ड यू, प्लीज बी बैक ऑन इन एनी एमटीवी शोज। व्हाट इज एमटीवी मेकिंग? एमटीवी मेकिंग रोडीज प्रिंसिपला भाई, अब होस्ट करें, अभी कंटेस्टेंट कहीं नहीं जाने का मन, इंशाल्लाह ऊपर वाले की कृपा रही। So let's just put this out there in universe. Let's hope ki one day we a little no I will why not let's host Pritsula sometime in near future, hai na? Abhi contestant nahi banna. Any update with Blind Love? Yes, Blind Love is happening and there is a little change in the team and I'm trying to write Blind Love, which is 5, 6, 7, 8, 4 episodes will come together in a sequence. It is a great story, of course, because I'm writing it. And I have to sit with Alisha. Alisha has been busy with her shoot. मैं अपने shoot पर हूँ तो थोड़ा सा वक्त ऐसे ही, मतलब पर हमें साथ में बैठना है और हमें producers को story एक बार शायद narrate करनी है, विकास साहब को, FNP को। बट ये सिर्फ डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अलीशा अपने शो पे बिजी थी, थानेदार लॉन्च हो रहा था, थानेदार स्टेबल करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, आप लोगों को एंटरटेन करना है, उसके साथ साथ जो ब्लाइंड लव की लिखावट पूरी हो चुकी है बाय हार्ट, आई एम लविंग द स्क्रिप्ट, जिसको भी सुनाई है बहुत मजे आए हैं उन लोगों को, इट विल कीप यू ऑन द एज, मजा आएगा आप लोगों को। मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है ना, थोड़े से पहले कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ तो दुनिया नजर लगाने को तैयार बैठी रहती है, तो उम्मीद कर रहे हैं हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अलीशा के साथ बैठेंगे, अलीशा को स्टोरी नरेट मैंने एक बार की है, एक बार और करनी है क्योंकि पॉलिश्ड नहीं थी, अब पॉलिश्ड है, और फिर FNP के पास जाके मुझे सुनानी है। उसके साथ 4 पार्ट बन रहे हैं, जो भी ब्लाइंड लव के व्यूअर्स हैं, जो ब्लाइंड लव, इस बार आपको एक रियल जिंदगी से जुड़ी कहानी दो लोगों की, कि प्यार बेसिक तो ये है कि जब प्यार आपके जीवन में हो तो फिर कितनी भी तकलीफें हैं, जिंदगी आपकी परीक्षा ले, सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस आपकी परीक्षा ले, पर आप का एक वो स्ट्रांग साइड, आपका वो एक पार्टनर आपके साथ रहता है तो फिर आप निकल जाते हैं और आप साथ में सपने देखें, मुश्किल सपने देखें, और फिर वो एक दूसरे का सहारा होता है तो फिर वो पूरे हो जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर लगता है लेकिन आप लोगों को मजा आएगा, अच्छा कोशिश कर रहे हैं, अच्छा म्यूजिक बने, अच्छे से शूट हो, तो ये सब कोशिश कर रहे हैं एंड वेरी सून आई एम ट्राइंग, प्लीज आस्क अलीशा पनवर मैडम टू फाइंड टाइम एंड सिट ऑन द राइटिंग सेशंस विद अस, तो वही वक्त नहीं निकाल रही, देखो बात तो यही है।
बहुत बिजी है वो, शाम तक वो शूट वूट से फ्री होके कहती है मैं थक गई अब कल करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके उसने बहुत दिन टाल दिया। आप लोग बोलो अलीशा को जाके कि अगर ब्लाइंड लव 5, 6, 7, 8 चार एपिसोड्स एंड आई थिंक प्रोबेबली ओके लेट्स नॉट से दिस, चार एपिसोड एक साथ आएंगे थोड़े थोड़े गैप में, आप लोग को मजा आएगा, यू विल बी ऑन द एज। अलीशा को बोले जाके कि पहले आए और मीटिंग कर ले और फिर हम इसको फाइनलाइज कर पाए। लविंग योर इंस्टाग्राम एक्टिव हो रहा है यार मेरे को, देखो क्या है ना यार जिंदगी में सब कुछ ही दिखा के क्या मतलब है, मतलब आप काम कर रहे हो उस काम का एक प्रोसेस होता है और वो अच्छी तरह आपके नाइस पैकेजिंग के साथ आपके सामने तैयार होके, जैसे मैं थानेदार के लिए आया उससे पहले एक होमवर्क लगता है और हर चीज में आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ दिखा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है यार। एग्जाम का रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की तैयारी, एग्जाम बैठना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हमने क्या तैयारी की वो सब कुछ दिखाते रहना वो मेरा सीन नहीं है। तो इसलिए मेरा थोड़ा आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम इज नॉट माई, आई लाइक डूइंग स्टफ ऑन इंस्टाग्राम, आई डू लाइक डूइंग इट माई वे, तो मजा आता है, लेकिन आई एम नॉट अ टू मच इंस्टाग्राम पर्सन। हाँ मुझे जो मजा आता है, फिर मुझे कई लोग बोलते हैं ये नहीं डालना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं डाल देता हूँ। ओके हाँ कविता जी जी जी, बड़ा एक शौक चढ़ा है कविता सुनाने का और आपको अपनी आवाज में, तो इनकरेज करें मुझे। और अभी यार तो थोड़ी सी शूटिंग पे भी ध्यान देना है, वीर प्रताप सिंह मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो कविता तो हो जाएगी लेकिन उसके लिए भी अच्छे से आपको वक्त देना चाहता हूँ मैं, लिख के अच्छे से उसको, और जिसमें आदित्य जो कि मीत में होशियार प्ले कर रहे थे और उनकी वाइफ जो हमारी भाभी हैं लवली शर्मा, शी इज हेल्पिंग मी विद द राइटिंग विद हाउ टू पोस्ट इट नाइसली एंड प्रेजेंट इट टू यू गाइस, तो वो सब थोड़ी बहुत चीज़ें चलती रहती हैं यार, एक सेल्फ ग्रूमिंग हो जाती है, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी तो कुछ आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊंगा तो उसमें मजा आएगा। कविता तो हाँ ऐसे होगा, लेकिन कविता के लिए भी वक्त चाहिए। जिस दिन फ्री था उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे तूफान मचा दिया था, अभी फिर मैं काम कर रहा हूँ, तो एक काम अच्छे से करेंगे, अच्छे अच्छे तरीके से करेंगे। बिग बॉस 18 में जाने का इरादा अभी नहीं है क्योंकि मुझे मेरा बालम थानेदार या मेरा ये मानना है कि जिस भी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ उसको बेस्ट दूँ, जितना रेलेवेंट बना सकूँ, जितना रियल बना सकूँ। तो फिलहाल एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो ना, पांच सब्जेक्ट तो नहीं बैठ के पढ़ सकते यार, बिग बॉस इज अ डिफरेंट गेम, बॉल गेम ओनली, तो आप जब वो फिर माइंड सेट अलग होता है उसमें, आप परफॉर्मेंस और नुआंसेस और इन सब चीज़ों में नहीं घुस सकते। बिग बॉस भी जब होगा तब होगा, या पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं देखते। वीर में आप, वीर आपका बालम थानेदार का लुक अच्छा लग रहा है जी, थैंक यू सो मच, क्रेडिट टू द शशि सुमित टीम, यू आर बिग बॉस मटेरियल, थैंक यू इजिप्ट वालों, बहुत शुक्रिया। वेन इज द हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल कमिंग, सी देखो थोड़े से पैसों की जरूरत पड़ेगी उससे, क्यों फ्री में तो नहीं मैं सिखा रहा कुछ। रीम से कब मिलेंगे, रीम इज शूटिंग फॉर दिस शो, सम लॉ रिलेटेड, लीगल केस रिलेटेड सम शो, सो मैंने उसका बिट देखा है, मेरे को नाम एग्जैक्टली नहीं पता, गलत नाम मैं लेना नहीं चाहता, बट सी सच ए कमीलियन इन द मैटर्स ऑफ वर्क, कितनी आसानी से वो उस किरदार में ट्रांसफॉर्म हुई है, ये एज एन एक्टर, एज अ फ्रेंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। तो आई एम, शी इज शूटिंग वेरी फार फ्रॉम बॉम्बे, इट टेक्स अराउंड 2-3 आवर्स टू ट्रैवल बैक होम, फिर उसके बाद शूटिंग का मिलना, फिर अगले दिन का काम, तो उसमें थोड़ी सी व्यस्त है, लेकिन दिल से जुड़े हैं यार, एक आवाज पे एक दूसरे के लिए खड़े हैं, जो लोग सच्चे हैं, जो लोग अच्छे हैं, जो लोग प्यार से दिल से साथ रहे हैं ना, उनसे तो जुड़े ही हैं, फिर चाहे वो सहवान हो, चाहे मिलन साहब हो, चाहे रीम हो, चाहे रजत हो, चाहे पूर्वा जी हो, सविता मैम, अमिता जी, एवरीबडी, अंजू, एवरीबडी दिल से तो जुड़े ही हुए हैं यार, अब हर वक्त हर सबकी जिंदगी है, अब कनेक्टेड रह सकते हैं लेकिन उनकी जिंदगियों में प्रेजेंट नहीं रह सकते, आपके अपने लाइफ कर्तव्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वैसे है ठीक है। ये नाम ले लो वाली रिक्वेस्ट है, पहले आप लोग मेरा नाम ले लो फिर मैं आपका नाम ले लूंगा, तो ये नाम ले लो वाली रिक्वेस्ट नहीं करूंगा मैं प्लीज यार। और हाँ प्लीज थानेदार देखें, ढेर सारा प्यार दें, श्रुति इज वर्किंग वेरी हार्ड, छोटी है उसके कंधे पे भी बहुत सारी चीजें हैं, शशि सुमित एज मेकर्स आर गिविंग देयर बेस्ट, सारे रिसोर्सेज देने की कोशिश कर रहे हैं हमें,
ताकि हम शो अच्छा बना सकें। हम रियल रहने की कोशिश कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू मेक आर टीम प्राउड। शशि मैम, सुमित सर, प्रशांत साहब, बिकॉज दे बिलीव्ड इन अस एंड लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आई होप द यूनिवर्स जस्ट ब्रिंग्स अबंडेंट लव एंड हैप्पीनेस टू अस। पूनम को रोस्ट क्यों किया? पूनम को रोस्ट करना, मैंने रोस्ट नहीं किया, मैं एंजॉय कर रहा था। रोस्ट करता तो फिर रोस्ट जिस दिन मैं कर दूंगा इंस्टाग्राम पे, उस दिन मसले हो जाएंगे। मैं थोड़े मसलों से बच के मैं थोड़ा पीसफुल रहने वाले जोन में इस वक्त लाइफ में। पूनम को रोस्ट नहीं किया लेकिन मजा बड़ा आया कसम से। बट ऑल्सो ऑन अ सीरियस नोट, आई डू नॉट थिंक इट्स द राइट वे टू प्रमोट समथिंग। सर्वाइकल कैंसर कितना प्रमोट हुआ वो तो पता नहीं यार, पता नहीं, शायद लोग चर्चा में रहने के लिए आजकल कदम उठा लेते हैं। तो चर्चित होने में कोई मतलब नहीं है, यादगार होने में मतलब है। तो चर्चित तो आप एक दिन के लिए भी हो सकते हैं, तीन दिन के लिए भी हो सकते हैं, दो हफ्ते के लिए हो सकते हैं। और आजकल इंस्टाग्राम रील का जमाना है, 30 सेकंड 40 सेकंड में आप नेक्स्ट 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 कितना कंटेंट आप याद रखोगे? नहीं रखोगे ना। तो फिर कुछ अच्छा, बच्चन साहब को आप लोग याद रखेंगे, लता जी को आप लोग याद रखेंगे, शाहरुख साहब को आप लोग याद रखेंगे, सलमान साहब को आप याद रखेंगे। और बस एक लेगेसी, एक बॉडी ऑफ वर्क बनाने की कोशिश है ताकि व्हेन आई एम ओल्ड एंड आई इट्स हार्ड टू गेट अप, दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, व्हेन आई लुक बैक आई सी आई हैव डन अ नाइस पीरियोडिक शो विच वॉज क्यों थे दिल छोड़ा है, और आई हैव डन अ विलेन ऑन तुझसे है राब्ता, और आई प्लेड अ डॉक्टर एंड नाउ आई एम फॉर्चुनेट एंड आई गेट अ चांस टू प्ले दिस IPS ऑफिसर वीर प्रताप सिंह। Just never take anything for granted is my goal right now, and I have to give every ounce of energy that I have in me. All the reserves is for my craft and to पहली बात तो खुद को प्रूव करना है यार, फिर आप लोग को एंटरटेन करना है। उस परफॉर्मेंस के लिए नुआंस में घुसना बहुत जरूरी है। तो ये सब है तो चल रहा है, कर रहे हैं कोशिश। आपका काम अच्छा है थानेदार में, बट क्या है, बट जो काम आपका मीत में, देखिए आप लोग, मैं देखो, मैं यार देखिए, एक ऑडियंस है। आजकल ऑडियंस नंबर्स की बात करने लगी है और बॉक्स ऑफिस कितना है। और शाहरुख साहब भी मैंने देखा था इंटरव्यू में बात कर रहे थे कि उनके बॉक्स ऑफिस और उनकी TRP या जो भी आता उन्हीं को भेजते कि अरे सर आपकी फिल्म 100 करोड़ करे। अरे हमें पता है गाइस, हम लोग इस बिजनेस, हमें पता है थर्सडे को क्या TRP है, हमें पता है स्टोरी में क्या करना है। हमारे मेकर्स को आप क्या समझ रहे हैं, वो आपको एंटरटेन ही तो करना चाहते हैं। वो कोई आपसे अगेंस्ट थोड़ी खड़े हैं कि नहीं हम आपको ये दिखाएंगे, आपको यही देखना पड़ेगा। नहीं, वो चाहते हैं आपको मजा आए, आप एंटरटेन हो। तो हिट एंड ट्रायल, एरर करेक्शन, कई बार अच्छा हो जाता है, कई बार हमें करेक्ट करना, हम करते हैं यार। और एज एन ऑडियंस आप लोग एंटरटेन हो, आप मेकर्स को ही बताने लग जाएंगे कि अरे आप ये वाला ऐसे करें और ये वाला ऐसे करें। तो ये तो आप एक एंटिटी हो गए, एक आइडेंटिटी। ऐसे 100 लोग एक प्रोजेक्ट को अगर रोज बदलने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा? तो आप समझें, एक विजन है जो आपको, जो भी रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट है, मैं एक शो की नहीं, सब जनरली बात कर रहा हूँ, कि आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप देखिए उसको। और फिर ज्यादा आजकल पता क्या है, ज्यादा बात करने से मसले हो जाते हैं। आजकल बात करना बड़ा मुश्किल है। हम इंसानों को लगता है कि हम बातें करके ना बहुत सारे मसले सुलझा लेते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट इट एंड लेट्स हैव एन ओपिनियन अबाउट इट। नो नो, मैं कहता हूं बात करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने सक्षम नहीं है कि हम ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें। तो जितनी कम बात भी करेंगे उतने कम मसलात होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए बात बहुत ज्यादा भी नहीं करनी चाहिए। आई रियली लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर। मी टू लव फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थानेदार की एक्टिंग, थैंक यू जी। हाँ, मुझे मेरा जन्मदिन मालूम है। वशमय फैंस के लिए कुछ कहिए यार। वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड फैन बेसिस दैट आई हैव एवर मेड। मुझे ना आजकल इंस्टाग्राम, देखो मैं आप लोगों से सच बोलूंगा क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हैं और फिर आप लोग इसकी क्लिप्स स्लिप्स काट के भी यूज करते हैं, तो मैं आपसे सच बोलूंगा। आजकल इंस्टाग्राम का जमाना एक जमाना था जब आप लोग बच्चन साहब के फैन होते थे
और फिर बच्चन साहब के फैन आज तक हैं। अभी क्या होता है ना, अभी आप लोग एक शो के फैन बनते हैं और फिर वो जैसी शो की जो भी किस्मत रहती है फिर आप लोग भूल जाते हैं और फिर आप लोग अगले शो के फैन बन जाते। वशमय इज वन ऑफ द अचीवमेंट्स इन माई लाइफ जो कि कॉन्स्टेंट है मेरी लाइफ में। आई हैव जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर वशमय फैंस बिकॉज वो लोग बस खड़े हैं आपके साथ, उन्होंने मुझे कभी भी कुछ गलत नहीं बोला। बाकी सारे फैन टाइप्स में मुझे कभी कभी कुछ गलत भी बोल देते हैं, फिर वो अच्छा भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वशमय लॉयल्टी के साथ खड़ा है। एंड आंचल साहू इज माई कॉन्स्टेंट फेवरेट, शी इज डूइंग परिणीति नाउ एंड शी इज अ गिफ्टेड एक्टर एंड अ गिफ्टेड पर्सन, और उनकी माँ का बड़ा हाथ है उनके ऊपर, तो बहुत ही खूबसूरत कलाकार है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरस्वती का हाथ है आंचल पर। और मतलब वो छोटी थी जब वो मेरे साथ क्यों थ्रिल करी, अभी भी छोटी है, पर शी अप्रिशिएट्स फीडबैक, शी अप्रिशिएट्स टीम वर्क, तो वो क्वालिटी बहुत पसंद है। और साथ में उनके अंदर काम की एक तासीर है जो बहुत बेहतरीन है, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस जनरेशन। लाइक यू, थैंक यू श्रुति इज वर्किंग, श्रुति काम कर रही है, एक तो संभालेगा ना अगर एक बात कर रहे तो श्रुति इज वर्किंग। पर बहुत लोगों ने मैसेज किए थे कि आप लाइव नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, बात कीजिए। जी वशमय इज कंप्लीटेड 3 years, यस, हेलो हाँ यार, हानी आमिर का भी एक मसला मेरे जीवन में चल रहा है। हानी आमिर और मैं अब बात नहीं करते क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी बंदी से कोई बहुत ज्यादा लोग बात करे, तो मैंने देखा हानिया से बहुत लोग बात कर रहे थे और वो भी कर रही थी, तो फिर मैंने स्टेप बैक कर लिया। आई एम हर्ट, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट हानिया आमिर, बट आई एम वॉचिंग मेरे हम सफर एंड शी लुक सो नाइस एंड सो क्यूट एंड सो अडोरेबल, बट वी आर नॉट सरहद पार, सरहद पार बैठी हैं वो। एक बार आई शपत बोलो यार अथर्व ऑल्सो, सी दिस इज द बॉडी ऑफ वर्क, मुझे ना बड़ा मजा आता है। अथर्व, आई शपत बाबू कैसे करते तुम्हें, जी 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 Tell us something about Ashish. Something about Ashish Singh. Ashish Singh is a very strong, opinionated person. Very strong-headed. who knows? उसको जीवन में क्या करना है? और awesome. गाइस ब्लाइंड लव 5 कब आएगा, ये जो लोग मुझसे अभी पूछ रहे हैं वो तो मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो शायद लाइव सेव करूंगा तो देख लेना यार। हाँ तो हाँ जी, हाँ तो अभी आप लोग एक सीक्वेंस देख रहे होंगे मेरा बादम थानेदार में, वो जो कुछ दिन पहले मैं बीमार पड़ गया था ना वो उसी में हो गया था यार, क्योंकि एक्शन वैक्शन था एंड देन द टेम्परेचर इज ऑल्सो कोल्ड, सो आई केम आउट एंड इनसाइड इट माय सीन अगेन, केम आउट देन आई हैड टू शूट माय क्लोज अप्स। मेरी बॉडी श्रिंक कर गई यार,
आई हैड स्पैजम वैजम हो गया और मेरी गर्दन वर्दन फंस गई थी, अभी भी दर्द है, गया नहीं है, बट द शो मस्ट गो ऑन। थैंकफुली 26 जनवरी की एक छुट्टी थी तो फिर आराम कर पाए, नहीं तो मैं तो परेशान हो गया था कि काम कैसे करूँगा, क्योंकि मुझे काम सच में यार बहुत पसंद है। तो पर वो आई एम ग्लैड, अब मैं जो आप लोगों का रिव्यू देख रहा हूँ वो एक्शन सीक्वेंस आपको पसंद आया, और रिंकू बच्चन साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे एक्शन वाइज, और मंगेश साहब वॉज ऑन द कप्तान टेबल, हमारे डायरेक्टर साहब तो कर ही रहे थे, तो हुआ उसमें थोड़ा सा मुझे लग गया था, लग नहीं गया था एक्चुअली, वो मसल स्ट्रेन हो गया था, ऑल्सो यू आर वर्किंग तो वो हो जाता है, कोई बात नहीं जी। आप बियर्ड में बहुत अच्छे लगते हैं यार, मैं खुद यार, लेकिन अभी थानेदार कर रहे हैं, अभी तो पता नहीं कैसे आएगी बियर्ड, पता नहीं, बिकॉज देयर हैज टू बी अ मुस्टैच ऑन एंड व्हेन यू प्ले अ डिफेंस रिलेटेड गाय तो फिर आपको उस अटायर उस लुक में भी आना पड़ेगा ना, तो अभी कैसे दाढ़ी आ जाएगी, आप सब सब चीजें ही मांग लेते हो आप लोग, भी ये भी कर लो वो भी कर दो, गाना भी सुना दो शायरी भी कर दो, बिग बॉस भी चले जाओ, मीत कब वापस आ रहा है, क्यों उठे थे वशमा सब कर लो, सब दाढ़ी भी उगा लो, वीर प्रताप सिंह भी कर लो। हाँ जी फिरोज खान इज गुड, फिरोज खान इज एक्चुअली अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, आई एम वॉचिंग हिज शो ऑन जियो और हम और आई डोंट नो ग्रीन, सॉरी ग्रीन एंटरटेनमेंट अखाड़ा, या एंड आई एम वॉचिंग मेरे हम सफर, दिस टू शोज आई एम वॉचिंग राइट नाउ, एंड पोस्ट वर्किंग ऑन थानेदार आई गो होम एंड आई वॉच अखाड़ा एंड मेरे हम सफर विच हैज फरहान फरहान साहब एंड हानि आमिर एंड हियर इज फिरोज खान, थैंक यू लुम आई लव यू फ्रॉम स्प्लिट्सविला, शुक्रिया। तो ये सब चल रहा है यार जीवन में, और बाकी आप बताएं, तो हाँ अब जिन लोगों को क्लीन शेव अभी मीत अलावत की यही लुक थी ना, तो देख लो मुस्टैच विद मुस्टैच ऑन में वीर प्रताप सिंह विद कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज एटीट्यूड वे ऑफ स्पीकिंग एंड देन मीत अलावत। What is my your favorite food? यार favorite food तो मुझे कुछ भी खिला लो, मेरे खाने का कोई मसला है नहीं, सब खा लेता हूँ मैं, बस प्यार से खिलाओ, तो ऐसा कोई नखरे नहीं है कि ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा, कुछ भी बेसिक, जब आप वैसे भी बहुत सालों तक अकेले रहते हो और आपको भूख लगती है और फिर बीच में पैसे वैसे की भी तंगी रहती है, तो फिर जो मिलता है फिर आपको आदत ही पड़ जाती है खाने की, फिर आप वहां से वापस नहीं आते कि हाँ भाई अब तो यही खाऊंगा वही खाऊंगा, तो मेरे को जो मिलता है मैं खा ही लेता हूँ। झारखंड से बहुत सारा प्यार, शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान कब आओगे? पाकिस्तान अभी तो नहीं ले आ रहा है मैं, पाकिस्तान अभी मुश्किल है, आप आ जाए भारत दिल्ली मिले। विल यू मैरी मी? मेरी मम्मी भी इंस्टाग्राम पे, उधर बात कीजिए। हाँ तो ये सब चल रहा है, और बस एंड आई एम शूटिंग फॉर थानेदार राइट नाउ, आई थिंक श्रुति इज शूटिंग अ सीन, तो इसके बाद आई विल बी शूटिंग, सो आई थॉट ऑफ क्विक कमिंग फॉर अ क्विक लाइव टॉकिंग टू यू, अब 6 महीने बात करेंगे लाइव शाइव, बस बहुत हो गया। वन उदय सहानी डायलॉग, वन उदय सहानी डायलॉग, जब आपको सच्चे दिल से किसी से प्यार होता है ना, तो फिर वही इंसान आपकी पूरी दुनिया, ये बड़ा सारा जहान उसी इंसान के अंदर छा जाता है जी, वो होता है प्यार, दैट इज उदय सहानी। तो ठीक है, बाय बाय, बहुत शुक्रिया, ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखें, माँ बाप का ख्याल रखें, और जानवरों को दुखी ना करें।
जीने दे उन्हें, इंसानों की अकेली कौम नहीं है इस धरती पर। तो बस ठीक है, ढेर सारा प्यार, टेक केयर, सेहतमंद रहें, और नया साल है, किल करें, मेरा शो देखें, और भाई व्लॉगिंग श्लॉगिंग का भी टाइम नहीं है, कसम से टाइम नहीं है, करेंगे जरूर, सब कुछ करेंगे, सब कुछ यही इसी में खत्म करना है, क्या करेंगे ना आराम से फुल ऑन। बाय, टेक केयर, लव, खुदा हाफिज। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।